फिर एक 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस मकसद से कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, कि इनके अंदर एक जोश और जुनून और एक हौसला पैदा हो, अपने देश का मान सम्मान और अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप और टीचर्स विद्यालय का नाम रोशन करने का, कि ये दौड़ें और अपने देश की आर्मी में जाएं, अपने देश की पुलिस में सेवा करें और अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करें। और जो हमारा ज़िंदगी का एक मकसद होता है, जो हमारी एक खुशनसीबी होती है कि हम और आप अपने वतन के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए। और आज जो ये प्रतियोगिता हुई है इकलौती कला में, जिसमें हमारे भाई नसीम साहब ने बहुत मेहनत की है, ये कल ही इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दौड़ को कर यहाँ पर कंपटीशन करके ये पैगाम दिया है क्षेत्र के लोगों को, नौजवानों को, कि हम और आप अगर चाहें मिलजुल कर एक से एक बेहतरीन प्रतियोगिताएँ कराएँ, जिससे कि हमारे नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है इसको निखारा जाए और पूरे क्षेत्र के अंदर से नौजवानों को आगे लाकर एक देश और प्रदेश के अंदर मिसाल पेश की जाए। कि पिपलौती हो, सतैड़ा हो, मटैना हो, ये जो भी गांव है, मेरे नाम याद नहीं है, आसपास के लोग नौजवान जो हैं जो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ एक मकसद होना चाहिए, कोई क्रिकेटर बन जाए, कोई अच्छा रेसर बन जाए, कोई बेहतरीन पहलवान बन जाए, कोई फुटबॉलर बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ हमें अपने तमाम ये जो चीज़ें हैं इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और आज जो पहली फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो मेरे भाई मोहम्मद तालिब पिपलौती कला ने हासिल की है, और दूसरी पोजीशन मौसम भाई सोविंदर सिंह जी जो हमारे मटैना से हैं उन्होंने हासिल की है, और तीसरी पोजीशन मौसम भाई सतैड़ा ने हासिल की है। हम तीनों भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपने क्षेत्र, अपने गांव में अमन के लिए, एकता के लिए, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, शिक्षा, सेवा, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को मजबूत करें, नौजवानों को जोड़ें, दो दो रुपये, चार चार, पाँच पाँच रुपये आपस में कर ऐसे कंपटीशन कराएं, जिससे कि जिसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो निकलकर बाहर आ जाए और वो आगे चलकर अपने देश और प्रदेश के लिए मिसाल बन जाए और अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करे और अपने देश के सम्मान में और रक्षा में जो भी योगदान, जो भी आदमी अपनी तरफ से कर सकता है उसके लिए पूरी कोशिश करे। हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह देश का और अपने गाँव का नाम रोशन करें। और आज हमें खुशी है कि हमारी मुलाकात यहाँ पर हमारे भाई नौशा जो रुखालू से आर्मी में है, आप और मैं देख रहे हैं, कोई हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग हैं, ये कुछ अलग हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी गांव के रहने वाले थे, लेकिन जब इन्होंने मेहनतें की हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्मी में चले गए हैं और अपने गांव के और माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करेंगे और गाँव का नाम रोशन करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग आगे आएँ और ऐसे कंपटीशन ज़रूर कराएँ, जिससे कि हमारे गांव के जो नौजवान हैं, जो भाई हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर जो भी कुछ जोश जुनून है उसको बाहर निकाल कर उसे देश के सम्मान में बढ़ाने में योगदान में लाया जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे आज कंपटीशन हुआ है, ऐसे ही मैं भी बहुत कंपटीशन खेलता था पहले, इसकी वजह से आज मैं आर्मी भर्ती हुआ और जैसे बंदे आज ये तैयारी कर रहे हैं अपने मुकाम पर, ऐसे और भी बंदे इनके देख कर और भी ऐसी जुनून पैदा करो, ठीक है। भर्ती होना कोई आम बात नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है भाई। ऐसे मेहनत कर रहे हैं सभी बंदे, अपने मेहनत करेंगे तभी भर्ती हो पाएंगे, इसलिए अच्छे से मेहनत करो और भर्ती हो जाओ, ठीक है भाई।